खम्मम की ऐतिहासिक और इनकलाबी धरती स्टेज पर मौजूद तेलंगाना के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के एक्स मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जी और केरला के मुख्यमंत्री जो बोलकर चले गए हैं, और बाकी सभी बीआरएस पार्टी के नेतागण और ऑफिसर साहबान, और इतनी भारी संख्या में यहां पर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आने के लिए शुक्रिया। आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आज एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखा जिसमें लोगों की आंखों का चेकअप होता है, बहुत बड़े लेवल पर चश्मे बांटे जा रहे हैं, और बहुत ही प्रभावशाली प्रोग्राम था जो देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि अगर इतनी भीड़ हो तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल चश्मे बनाएं ताकि देख सकें हम भी। वो दूर तक नजर जाती है तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये आपका प्यार है। आपने घर से पहला कदम जब इस रैली की तरफ, इस फंक्शन की तरफ बढ़ाया, वो पहला कदम बदलाव का कदम था। आपका यहां पे आना इस बात का सबूत है कि आप देश को प्यार करते हैं, आपको चिंता है कि देश कहां जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान है कि देश नफरत की राजनीति को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। यह देश एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों। यह हो नहीं सकता, यह हो नहीं सकता। जिस गुलदस्ते में सिर्फ एक ही रंग के फूल हों उसको ज्यादा देर देखा नहीं जाता। असल में फूलों की रंग की जो विभिन्नता है वही उसको गुलदस्ता बनाती है। तो आज देश क्या मांग रहा है? देश मांग रहा है रोजगार। यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इंडिया, भारत, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का, वो भी जुमला निकला। इन्होंने वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करने का, जुमला निकला। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, जुमला। इन्होंने कहा था 15 लाख हर घर के खाते में आ जाएगा, जुमला। तो भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी जो है वो देश को मिसलीड कर रही है। वो हर चीज हथियाना चाहते हैं, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। जिस राज्य में जीतते नहीं है लोगों द्वारा, वहां पे बाई इलेक्शन द्वारा जीत जाते हैं। इस्तीफा दिलवा लो, खरीद लो बंदे, एमएलए खरीद लो, मतलब हिम्मत देखो। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में 250 में से 134 सीटें जीती, बहुमत है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं जितनी मर्जी आ जाएं मेयर हमारा बनेगा। ये क्या बात हुई भाई? ये लोकतंत्र है? ये तो लूट तंत्र है, ये लूट तंत्र है। लेकिन इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता
कि वक्त बहुत बड़ी चीज होता है, वक्त राजाओं से भीख मंगवा देता है, वक्त और भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है। वक्त वक्त बहुत बड़ी चीज होता है और ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और ऊपर जाके ये बीजेपी वालों की तरह अहंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। बहुत बड़े बड़े उतारे हैं भाई साहब, बहुत बड़े बड़े। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो हुकूमत लोग जिसको दिल में जगह देते हैं उसकी होती है, ये छीनी नहीं जा सकती, ये खरीदी नहीं जा सकती। लोगों का प्यार खरीदा नहीं जा सकता, लोगों के प्यार की किसी करेंसी में कोई कीमत नहीं है। अभी जब से मैंने होश संभाला है, हर 15 अगस्त को लाल किला से तत्कालीन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, मैं भी सुनता था। आज तक वही भाषण, अफसरों का लिखा लिखाया रटा रटाया भाषण, लाल किला के सामने से बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, महंगाई पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त और 15 अगस्त खत्म। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे देश के बारिशों, अगर देश की 130 करोड़ जनता की किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे, कुछ तो नया कर दो। नहीं करते, अपने आप बारी आ जाती है। लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। पंजाब में ऐसे ही चल रहा था, 5-5 साल की बारियां चल रही थी, लेकिन तीसरा बदलाव आया आम आदमी पार्टी के रूप में। 117 में से 92 सीटें पंजाब में आई, पहली बार 92 सीटें आई किसी पार्टी की। और बड़े बड़े जो अपने आप को कहते थे हमें कोई हरा ही नहीं सकता, पूरे का पूरा खानदान हरा दिया उनका भाई साहब, ये पब्लिक है। और इनका क्या काम है, इनका काम है लूटना, सब कुछ बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, नदियां बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, सिर्फ मीडिया खरीदा बस, बाकी सब कुछ बेचा है। सो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं, जनता का कोई फिक्र नहीं है इनको। अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते, अगर किसी नदिया के घाट पर ये बीजेपी वाले बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ दो बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सब कुछ अपने लिए, ये राज्य भी दे दो, ये राज्य, राज्यपालों से तंग, राज्यपालों को कहते हैं काम नहीं करने देना,